आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ चार ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप इंस्टेंट स्लिम दिख सकते हो, आपका जो बढ़ा हुआ पेट है उसको आप इंस्टेंट कम कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो चारों स्टेप मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ऐसा नहीं है कि चार में से सिर्फ तीन स्टेप फॉलो कर लिए, दो स्टेप फॉलो कर लिए, चारों स्टेप आपको फॉलो करने हैं। और जब आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी में एक ड्रास्टिक सा चेंज आएगा जिससे आप काफी स्लिम फील करोगे और स्लिम लगोगे भी। हम में से बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, जब उनको कहीं जाना होता है ना तो वो लोग एक दो दिन पहले से खाना खाना कम कर देते हैं। उनको लगता है कि वो एक दो दिन खाना कम खाएंगे तो वो स्लिम दिखेंगे, बट एक्चुअली पता है क्या होता है, जब खाना कम करते हैं ना तो उसका सीधा असर हमारे फेस पे आता है, हमारा फेस का ग्लो भी कम हो जाता है। तो आपको ये नहीं करना, इसके बजाय आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको लेना है कि आपको अपने खाने में, सपोज कि आपको परसों कहीं जाना है या जैसे आज से 3 दिन के बाद जैसे करवा चौथ है तो आपको करवा चौथ पे अच्छा दिखना है, स्लिम दिखना है, या किसी पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, आपको स्लिम दिखना है, किसी ड्रेस में फिट आना है या वो ड्रेस आप चाहते हो आप पे अच्छी लगे, तो उसमें आपको क्या करना है, 2-1 दिन पहले से आपको चीनी खाना बिल्कुल बंद कर देना है। चीनी से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं खाना, इवन चाय भी नहीं पीनी, नो मतलब नो, चीनी का डब्बा ही नहीं खोलना, मतलब ऐसे समझो कि बिल्कुल भी आपको चीनी नहीं खाना है। और नॉट ओनली चीनी, बल्कि ना तो आपको गुड़ खाना है ना हनी खाना है, मतलब सारी वो चीजें जो आपको मीठा फील कराती हैं, जिसको खाते ही आपको मुंह में मीठा स्वाद आता है, वो चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। इसका कारण ये है कि जब हम चीनी खाते हैं या चीनी गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई खाते हैं तो उससे हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, और जब हमारा शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी में पानी रिटेन रहता है, पानी को हमारी बॉडी रोक के रखती है ज्यादा चीनी खाने की वजह से। जब आप 1-2 दिन के लिए चीनी अचानक से छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी में जो जमा हुआ पानी होता है ना, जिसको हम ब्लॉटिंग बोलते हैं, वाटर रिटेंशन बोलते हैं, वो रिलीज होता है और जिससे आपका जो पेट है वो एकदम से आपको फ्लैट लगने लग जाता है। दूसरा स्टेप लेना है नो सॉल्ट। यस, आपको पूरा दिन में कोई भी नमक वाली चीज नहीं खानी है। सपोज कि अगर आज शाम को आपको कहीं जाना है तो सुबह से आपको ये चीज करनी है कि सुबह से शाम तक आपको सारी वो चीजें खानी है जिसमें नमक ना हो। अब आप बोलोगे कि फिर हम कैसे खाएंगे, भूखे रह जाएंगे। भूखा बिल्कुल नहीं रहना है। ब्रेकफास्ट में आप दही रोटी खा सकते हो, लंच में आप दही से चावल खा सकते हो, या फिर आप मूंग दाल का चिल्ला बना के खा सकते हो, बेसन का चिल्ला खा सकते हो। ऑफ कोर्स ऑयल का इस्तेमाल भी कम ही करना है, मतलब जितना जरूरी हो उतना ही सिर्फ आपको ऑयल लगाना है इन चीजों में, और ये चीजें आप खा सकते हो। 1 दिन के खाने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप फ्रूट सैलेड खा सकते हो, या जैसे फ्रूट है, फ्रूट में थोड़े से ड्राई नट्स मिला के और थोड़ा सा दही मिला के आप उसको खा सकते हो। उसमें आपको चीनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नमक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आपको बहुत टेस्टी लगने वाला है। तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हो। जब हम चीनी और नमक दोनों को ही नहीं खाते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो हमारा रिटेन वाटर पूरा निकल जाता है। आप देखोगे कि जब आप चीनी और नमक दोनों चीजों का सेवन नहीं करते हो, दोनों चीजें नहीं खाते हो पूरा दिन में, उस दिन आप यूरिन भी ज्यादा मात्रा में पास करते हो, बहुत ज्यादा आपको टॉयलेट आता है, जिससे आप देखोगे कि आपका जो बॉडी का रिटेन वाटर है वो कम हो रहा है। वाटर वेट कम होने की वजह से इंस्टेंट हमारा वेट लॉस भी होता है और आपके जो पेट जो फूला फूला सा रहता है ना वो भी आपका सडनली अंदर चला जाता है। तो ये आप दोनों टिप्स फॉलो कर सकते हो। तीसरी चीज जो आपको जरूर से फॉलो करनी है, दैट इज पानी। ऐसा नहीं है कि आप नमक चीनी नहीं खा रहे हैं, आपको यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप पानी पीना बंद कर दें। पानी आपको उस दिन बहुत ज्यादा पीना है, आप 3 से 4 लीटर पानी जरूर जरूर से पीजिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इससे क्या होता है, जब हम पानी ज्यादा पीते हैं, नमक चीनी नहीं खाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी एक तरीके से डिटॉक्सिफाई होती है। जब बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है तो उससे हमारे शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो उससे आपका जो फेस है वो भी ग्लो करता है, बॉडी भी आपकी शेप में आपको लगती है और आप बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। 3 पॉइंट्स हो गए। 4th पॉइंट आपको फॉलो करना है आपके उस दिन पूरे दिन की डाइट से रिलेटेड। उसमें क्या क्या नहीं खाना है वो मैंने आपको बता दिया कि नमक और चीनी बिल्कुल नहीं खाना है, लेकिन उस दिन आपको फाइबर का अमाउंट अच्छा रखना है। उस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा सलाद खाना है, ऐसी चीजें खानी है जो फाइबर में रिच हैं, जैसे कि आप मूंग दाल का स्प्राउट खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, कच्ची पत्ता गोभी खा सकते हैं, कच्ची सारी सब्जियां खा सकते हैं, और साथ में फ्रूट्स भी खाइए। आप जो भी फ्रूट खा रहे हो उसको स्किन के साथ खाइए, जैसे एप्पल है वो आपको छिलके के साथ खाना है, अंगूर खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, बनाना अगर आप खाना चाहते हैं तो एक बनाना भी खा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि बनाना और मैंगो को और चीकू को, इन 3 फलों को आप अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आप कोई भी साइट्रस फ्रूट खा सकते हैं, जैसे कि आप संतरे खा सकते हैं, नींबू खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, तो मौसम्बी खा सकते हैं, ये चीजें आपको खानी है।
और इस डाइट को आपको अगर शाम को पार्टी में जाना है तो आपको सुबह से फॉलो करनी है, और अगर अगले दिन मॉर्निंग में आपका कोई फंक्शन है या लंच में कोई फंक्शन है तो आप इसको एक दिन पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद जब आप फंक्शन में जाए वहां पे आप जो चाहते हैं वो आप खा सकते हैं। हालांकि आपको डाइट का ध्यान जरूर रखना चाहिए, बहुत ज्यादा अनहेल्दी चीजें, ऑयली चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि आप परमानेंट पतले रह सके, परमानेंट आप स्लिम रह सके और फिट रह सके। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी, आपके जरूर काम आई होगी, इसको आप फॉलो जरूर कीजिए, और आपको रिजल्ट कैसे मिले मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।